ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कुछ ही घंटों में साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। कुछ जगहों पर तो पूर्ण सूर्य ग्रहण से अंधेरा छा जाएगा। पंचांग के अनुसार साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। इस साल सोमवती अमावस्या के दिन मीन राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा। चैत्र माह के सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक करीब 50 वर्षों के बाद सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े अपडेट है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसीलिए जनमानस पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा और न ही सूतक काल मान्य होगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब और कहां देख सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, जमैका, आयरलैंड, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक में यह ग्रहण दिखेगा। यहाँ कुछ जगहों पर तो दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह है कि इस सूर्य ग्रहण का भारत में क्या असर होगा, गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या न करें, और भी तमाम प्रकार के डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की, यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसीलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। यानी कि हमारे देश में इस सूर्य ग्रहण का भौतिक प्रभाव, आध्यात्मिक प्रभाव, सूतक का प्रभाव या किसी प्रकार का धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए सामान्य दिनचर्या होगी। शास्त्रों की माने तो ग्रहण जहां लगता है और जहां दिखता है वहीं इसका प्रभाव माना जाता है। कोई गर्भवती महिलाएं भी है तो उनके लिए भी राहत की बात यह है, इस सूर्य ग्रहण का उन पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। आम दिनों की तरह ही दिनचर्या रहेगी और मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे। और जब भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर सूतक काल वगैरह भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप सारे शुभ कार्य आसानी से कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा असर भारत में नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात 2:22 पर होगा। तो भारत में जब रात रहती है तो कई देशों में दिन भी रहता है, तो वहां पर जिन देशों के नाम मैंने शुरुआत में लिए हैं वहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और कई स्थानों पर तो बहुत भयंकर ग्रहण दिखाई देगा, अंधेरा छा जाएगा। बड़ी और राहत की बात यह है, इसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा। जैसे होली के आसपास आपको याद होगा चंद्र ग्रहण हुआ था, उस समय यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई दिया था, तो हमने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया था। इसी तरह इस सूर्य ग्रहण का भी भारत पर कोई भी असर नहीं होगा।